हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही फटाफट बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये है रवा मसाला इडली। इसको बनाने के लिए मैंने नहीं रात को कोई चावल भिगाया, ना ही दाल भिगाया, बहुत ही फटाफट सुबह ही उठा, सुबह उठ के ही तुरंत इसको मैंने बना लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लिया है। सूजी मैंने मोटी वाली ली है। 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ज़रूर डालिए, दही से जो हमारा सूजी है वो फर्मेंटेड हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फूलने लगता है और जो खट्टापन आता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। इसको हमें एकदम पतला पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हमें मिला लेना है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं, क्योंकि ये मसाला रवा इडली है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी सरसों। आप लोग राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चने की दाल। आप इसमें मूंग उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें अभी उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ चने की दाल से ही बनाई है। अब हमें इस दाल को अच्छे से फ्राई करना है, रेड होने तक, रेड गोल्डन कलर आने तक। इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जो मसाला है ना, ये रवा इडली की जान होती है। इससे जो मसाला इडली है बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप सांभर या चटनी नहीं भी बनाएंगे तो भी जो इडली है बहुत ही अच्छी लगेगी। सिर्फ सॉस के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, तब तक हम इडली ट्रे को तैयार कर लेते हैं। देखिए इडली ट्रे को मैंने ऐसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इससे हमारी इडली जो है चिपकेगी नहीं। और साथ में एक बर्तन में इडली के जार में मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। अब ये मसाला ठंडा हो चुका है तो इसे हम मिला देंगे अपने सूजी के बैटर में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सूजी है थोड़ी सी जो है फूल चुकी है और ये पेस्ट जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल पानी है। तो देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। आप जैसे ही बेकिंग पाउडर डालेंगे तो इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत हमें इसे पकने के लिए चढ़ा देना है। आप इसके जगह पे बेकिंग पाउडर की जगह पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो जो है बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने ज़्यादा फेटा भी नहीं है, तुरंत इसको मैंने ट्रे में डाल के पानी उबल चुका है, सेट कर दूँ, सेट होने के लिए रख दूँगी। अब इसको हमें 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही ढक के पका लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे, किसी नाइफ से या टूथपिक से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो टूथपिक है पूरी क्लियर निकल चुकी है, इसका मतलब है कि हमारी जो इडली है रेडी हो चुकी है। इसको मैं गैस ऑफ करके 2 मिनट और रखूँगी और फिर इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इडली निकालने से जो हमारी इडली है एकदम शेप में निकलती है, टूटती नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से निकल चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। सारी इडलियों को मैंने ट्रे से निकाल लिया है। तो
मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है, इसका मसाला जो है बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैंने बनाया है पीनट चटनी और सांभर। तो रेडी है हमारी आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी, बहुत ही फटाफट, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक